Lata ma'am, you can ask your question. And this would be the last question. Okay, pranam Swami ji. Pranam. Mere ko jo hai, kafi time se, it's been 3-4 years that there is some spinal issues. डिस्क बल्ज का इशू है बिकॉज आई बिलीव कि मैं स्लिप हो गई थी स्टेयर से, जिसके लिए मैं 4 साल से काफी योगा कर रही हूँ, जिसने मुझे काफी हेल्प भी किया है, बट हील नहीं हो पाई हूँ. और मेरे कुछ बहुत स्ट्रेस भी रहा. योगा मैं योगा डेली योगा प्रैक्टिशनर हूँ और मेरा लाइफ स्टाइल भी अच्छा है और खाने पीने का भी हेल्दी ही, घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ. तो अब जो है मेरा जो डिस्क बल्ज है वो मेरे एक S1 जो शाटी का नर्व है उसको कंप्रेस कर रहा है, तो जो जिससे कि मुझे मेरा जितना एनर्जी है वो बहुत ज्यादा उसमें चला जाता है. मैं काफी एनर्जेटिक हूँ बट मेरी इतनी एनर्जी उसकी वजह से जा रही है, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है. तो क्या इसको हम हील कर सकते हैं पूरा? देखिए आपका, अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके स्पेसिफिक आपके बारे में बता देता हूं कि आपको थोड़ा सा पिट्यूटरी पैथोलॉजी, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन है. ब्रेन में पीछे का पार्ट हाइंड ब्रेन हाइपोथैलेमस होगा, तो आप स्लिप कर गए उसकी वजह से नहीं है ये. ठीक है ना, पहली चीज तो वो निकाल दीजिए अपने दिमाग से. दूसरी चीज ये, it is due to hypothalamic inflammation or there is some reason in your the lower part of brain or hypothalamus ke around mein ek reason hai, wo pituitary pathology bhi ho sakti hai. Agar ye us inflammation ka resultant hai, wahan pe inflammation jiska aapki reed ki haddi mein uska ek asar ja raha hai, agar isko hum theek kar dein, ye hypothalamic pathology or pituitary pathology ko hum theek kar dein, to ye nikal jayega. इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें ऑलरेडी हमारे इन्फ्लेमेशन, किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में जो कुंभक थेरेपी वाला पार्ट है उसके अंदर हम अलग अलग शूल करके कुंभक करवाते हैं, तो वो किसी भी इन्फ्लेमेशन को हैंडल कर सकते हैं. दूसरा, हम कस्टमाइज करेंगे, आप जब हमें ये चीजें लिखेंगी डायग्नोसिस में, ये बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपके हिसाब से हम चीजों को कस्टमाइज कर देते हैं सो दैट इट एड्रेसेस दैट प्रॉब्लम. तो वहां उस तरीके से एनीवे वी आर गिविंग यू एवरी अदर थिंग व्हिच कैन टेक केयर ऑफ योर स्पाइन. ओके, बिकॉज़ रिसेंटली आई टू स्टार्ट, यू नो, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग फिजियोथेरेपी फॉर फ्यू डेज, यू नो, बिकॉज़ आई हैव बीन सजेस्टेड. वो मुझे इतना मेरे लेफ्ट लेग में कंप्रेशन आने की वजह से इतना ज्यादा सेंसेशन आ रहा था कि उसकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ, ना लेफ्ट में सो पा रही हूँ, राइट में सो पा रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. हाँ, तो आप रूट को पकड़ेंगे तब समझ में आएगा. इट इज ऑन द अपर पार्ट नॉट द, अगर आपका सियाटिका भी है वो तो ऊपर से शुरू होता है ना, आप कहीं और देख रहे हैं जहां पे बल्ज है वहां देख रहे हैं. बल्ज तो एक इम्पैक्ट आ गया क्योंकि वो वीक एरिया होगा तो वहां इम्पैक्ट आ गया, मगर ये शुरुआत कहां से हो रही है उसकी, उसको अगर एड्रेस करेंगे तभी आराम है. फिजियोथेरेपी में आपको ज्यादा इरिटेशन होगी, मतलब कभी भी आप बॉडी को ज्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे ना तो ज्यादा इरिटेशन. सो अगर आप उसको फिक्स करते हैं वहां पे एंड देन यू यूज योर बॉडी, देन फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. अभी तो जितना करेंगे उतना इरिटेट होगा, मतलब बॉडी के अंदर ना शांत नहीं रह पाएगा क्योंकि एक्टिविटी दे रहे हैं, मगर वो रूट को जहां पे शुरुआत है ना उसको तो हम एड्रेस नहीं कर. okay. ना ऐसा होता ना, ऐसा मान के चलिए कि अभी कभी कभी लोगों का ना पीछे नस चढ़ जाती है. फिर आप जितना हाथ हिलाओगे वो उतना प्रॉब्लम करेगा, और क्या आप हाथ हिलाना बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता रहेगा कुछ और आप हाथ हिलाते रहोगे और वो उतना प्रॉब्लम जाती जाएगी कंधे तक थी, फिर आपके यहां तक आएगी, कोनी तक आएगी, फिर रिस्ट तक आ जाती है, उंगलियों तक आ जाती है. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही प्रॉब्लम को बढ़ा देता. तो अभी जो भी कर रहे होंगे ना वो बेसिकली टेंशन, कंप्रेशन, इस तरीके की चीजें अगर आप करेंगे तो इरिटेशन बढ़ जाता.
तो जहां पे इसका शुरुआत है ना वहां को अगर आप ठीक करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, तो ये स्लोली स्टेडीली आप देखेंगे ये धीरे धीरे करके निकल जाएगा।